नमस्ते, हमारी अगली क्लास है BSC 6 सेकेंड ग्रेड के लिए। और हमारा जो सब्जेक्ट है वो है आधुनिक शिक्षा विद्यालय शिक्षा। आधुनिक विश्वविद्यालय शिक्षा और आज का हमारा प्रकरण है लहर कार्यक्रम। हमारा वैसे तो सिलेबस ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है, थोड़ा बहुत सब कुछ थोड़ा बहुत सा रहा है, उसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। लहर कार्यक्रम, लहर प्रोग्राम। अब लहर प्रोग्राम क्या है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो 1992 में संशोधित की गई, 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो कब संशोधित की गई? 1992। यह प्रावधान है कि शैक्षिक विकास की समीक्षा करने तथा शैक्षिक व्यवस्था एवं कार्यक्रमों पर दृष्टि रखने के लिए शिक्षा नीति में आवश्यक परिवर्तनों का निर्धारण केंद्रीय शिक्षा परामर्शदाता बोर्ड करेगा। ठीक है, तो शिक्षा में जो भी चीजें हैं, जो भी नए कानून वगैरह जो भी बनाने हैं, उसका परामर्श कौन करेगा? उसका करेगा केंद्रीय शिक्षा परामर्शदाता बोर्ड करेगा। ठीक है, केंद्र सरकार से संबंधित चीजें भी। और केंद्रीय शिक्षा परामर्शदाता बोर्ड का गठन 1920 में किया गया। केंद्रीय शिक्षा परामर्शदाता बोर्ड का गठन किया गया 1920 में। बहुत टाइम हो गया, बहुत पुराना, 100 साल वर्ष। ये 2020 चल रहा है और ये 1920 में किया था, 100 साल हो गए उसको पूरा। यह शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकारों को परामर्श देने वाली सर्वोच्च संस्था है। यह मानव संसाधन विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आपसी तालमेल एवं परस्पर संपर्क करने की भूमिका का निर्वाह करती है। व्यय में कमी लाने के लिए 1913 में इसे भंग कर दिया गया। जो 1920 में जो संस्था बनी थी उसको 1923 में भंग कर दिया गया। फिर इसे पुनः 1935 में इसका गठन किया गया, लेकिन 2004 में यह शून्य अवस्था में रही। इस पर कोई काम नहीं किया गया 2004 तक। संशोधित राष्ट्रीय नीति 1982 की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए सरकार ने जुलाई 2004 में CABE का पूरा गठन कर इसकी पहली बैठक 10 एवं 11 अगस्त 2004 में आयोजित की। इसके पश्चात 14 एवं 15 जुलाई 2005 को नई दिल्ली में इसकी बैठक हुई, 53वीं बैठक हुई। सीधी सी बात होगी ही, कोई संस्था इतनी पुरानी है तो उसकी बैठक भी होगी, है ना? तो 53वीं बैठक हुई। 3 संस्थानीय समिति बनाए जाने का निर्णय हुआ। इस स्थायी समिति में 3 उद्देश्य रखे गए। पहला, नई शिक्षा नीति को लागू कराने की विशेष आवश्यकता सहित बच्चों एवं युवाओं के लिए एकीकृत शिक्षा हेतु स्थायी समिति। दूसरा है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को निर्देश देने के लिए साक्षरता और प्रौढ़ शिक्षा हेतु स्थायी समिति। और तीसरा है, बच्चों की शिक्षा, बाल विकास, पोषण, स्वास्थ्य आदि संबंधित विभिन्न योजनाओं को ध्यान में रखते हुए बाल विकास प्रयास के संबंध में और एकीकरण मामलों के लिए स्थायी समिति। समिति की बैठक के लिए गए निर्णयों के शब्दों में, यदि बालक को विद्यालय का वातावरण अपरिमेय भरा आनंददायक एवं उच्चपूर्ण होगा तो निश्चित रूप से विद्यालय में नामांकन एवं ठहराव बढ़ेगा। ठीक है, इसमें क्या चीजें की गई है कि इसमें यूँ है कि जो विद्यालय का जो वातावरण है वो उच्चपूर्ण होना चाहिए, आनंददायक होना चाहिए। ठीक है, उसमें आते ही उनको लगे कि हाँ नहीं, बस अब इसी चीज़ की कमी थी, हम तो यही आना चाह रहे थे। तो मतलब बच्चों में तो उस विद्यालय में आने की लालसा बनी कि साथ साथ में जो अभिभावक है वो भी बहुत इम्प्रेस होंगे, आकर्षक होंगे कि हाँ हमें तो हमारे बच्चों को एडमिशन यही दिलाना है और वो आगे और किसी से भी जाकर
बात करना। तो लहर कार्यक्रम यही था, थोड़ी सी लाइन बच गई, मैं बता दूं आपको। तो इस प्रकार उक्त समिति में बालकों की प्रारंभिक शिक्षा हेतु बाल केंद्रित मनोरंजन गतिविधियों युक्त एवं खेल खेल में शिक्षा जैसे नवाचार प्रारंभ करने का सुझाव दिया और इस नवाचार का नाम लहर लहर प्रारंभिक शिक्षा के लिए मील का पत्र बन गया। ठीक है, तो लहर कार्यक्रम हमने पढ़ लिया है, किस प्रकार से कार्य करता है, इसमें कौन कौन सी समिति बनाई गई थी, उसको किस प्रकार से संशोधन किया गया। ठीक है, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ लेना।